नमस्कार श्रोताओं, ये पॉडकास्ट हम जयपुर से प्रसारित कर रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय शाम के 6:35 हुए हैं। हमारी आज की पॉडकास्ट का विषय है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह के नामों से भी संबोधित करते हैं। नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधु सभी गुण समेटे हुए हैं। इनकी समाधि गुरुद्वारा ननकाना साहिब पाकिस्तान में स्थित है। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को राय भोई की तलवंडी, वर्तमान ननकाना साहिब, पंजाब, पाकिस्तान में हुआ था। और इनके उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव जी थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। इनकी जीवन संगिनी सुलखनी देवी और इनके पिता का नाम लाला कल्याण राय और माता तृप्ता देवी। और उस समय जब इनका जन्म हुआ था तब ये एक हिंदू परिवार था। इन्होंने अपना अंतिम समय करतारपुर साहिब में बिताया था। नानक साहब के जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री यानी कि क्षत्रिय कुल में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक नगर है। कुछ विद्वान इनकी जन्म तिथि 15 अप्रैल 1469 मानते हैं, किंतु प्रचलित तिथि कार्तिक पूर्णिमा ही है जो अक्टूबर नवंबर में दिवाली के 15 दिन बाद पड़ती है। इनके पिता का नाम मेहता कालूचंद खत्री तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। इनकी बहन का नाम नानकी था। बचपन से इनमें प्रखर बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे थे। लड़कपन से ही ये सांसारिक विषयों से उदासीन रहा करते थे। पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगा। 7-8 साल की उम्र में स्कूल छूट गया क्योंकि भगवत प्राप्ति के संबंध में इनके प्रश्नों के आगे अध्यापकों ने हार मान ली तथा वे इन्हें ससम्मान घर छोड़ने आ गए। तत्पश्चात सारा समय वे आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करने लगे। बचपन के समय में कई चमत्कारी घटनाएं घटी जिन्हें देखकर गांव के लोग इन्हें दिव्य व्यक्तित्व मानने लगे। बचपन के समय से ही इनमें श्रद्धा रखने वालों में इनकी बहन नानकी तथा गांव के शासक राय बुलार प्रमुख थे। इनका विवाह बालपन में 16 वर्ष की आयु में गुरदासपुर जिले के अंतर्गत लाखों की नामक स्थान के रहने वाले मूला की कन्या सुलखनी से हुआ था। 32 वर्ष की अवस्था में इनके प्रथम पुत्र श्रीचंद का जन्म हुआ। 4 वर्ष पश्चात दूसरे पुत्र लक्ष्मीदास का जन्म हुआ। दोनों लड़कों के जन्म के उपरांत 1507 में नानक अपने परिवार का भार अपने ससुर पर छोड़कर मर्दाना, लहना, बाला और रामदास, इन 4 साथियों को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। उन पुत्रों में से श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। अब ये उदासी क्या है, तो ये चारों ओर घूमकर उपदेश करने लगे। 1521 तक इन्होंने 4 यात्राएं चक्र पूरे किए जिनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य मुख्य स्थानों का भ्रमण इन्होंने किया और इन्हीं यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। इनका जीवन दर्शन, तो नानक सर्वेश्वरवादी थे। मूर्ति पूजा, उन्होंने सनातन मन की मूर्ति पूजा की शैली के विपरीत एक परमात्मा की उपासना का एक अलग मार्ग मानवता को दिया। उन्होंने हिंदू पंथ के सुधार के लिए बहुत कार्य किए, साथ ही उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थितियों पर भी दृष्टि डाली है। संत साहित्य में नानक उन संतों की श्रेणी में है जिन्होंने नारी को बड़प्पन दिया है। हिंदी साहित्य से इनका संबंध, हिंदी साहित्य में गुरु नानक भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। वे भक्ति काल में निर्गुण धारा की ज्ञान श्रेयी शाखा से संबंध रखते हैं। उनकी कृति के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे उनका संग्रह ग्रंथ साहब में किया गया है। इनकी मृत्यु के संबंध में अंतिम दिनों में इनकी ख्याति बहुत बढ़ गई और इनके विचारों में भी परिवर्तन हुआ। समय ये अपने परिवार वर्ग के साथ रहने लगे और मानवता की सेवा में समय व्यतीत करने लगे। उन्होंने करतारपुर नामक एक नगर बसाया जो कि अब पाकिस्तान में है और एक बड़ी धर्मशाला उसमें बनवाई। उसी स्थान पर आश्विन संवत यानी कि 22 सितंबर 1539 को इनका परलोक वास हुआ। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। इनकी कविताओं में ये भेदाभेदवादी कवि थे और साथ ही
अच्छे सूफी कवि भी। उनके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह निराली है। उनकी भाषा बहता नीर थी, जिसमें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी के शब्द समा गए थे। इनकी रचनाओं में गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित है 974 शब्द। 19 रागों में गुरुबाणी में शामिल है। जणजी, सिद्ध घोष, सोहिला, दखनी ओंकार, आशा दीवार, पट्टी, बारहमा। सिख संप्रदाय में जो अन्य गुरु हुए हैं उसमें पहले तो गुरु नानक देव हैं तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह हुए हैं। इनके अलावा गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हर किशन, गुरु तेग बहादुर और 10वें जो गुरु हैं वो गुरु गोविंद सिंह हैं। इनके जीवन से जुड़े प्रमुख गुरुद्वारा साहिब। गुरुद्वारा कंद साहिब बटाला गुरदासपुर गुरु नानक का यहाँ बीबी सुलक्षणा से 16 वर्ष की आयु में संवत 1544 की 24वीं जेठ को विवाह हुआ था। यहाँ गुरु नानक की विवाह वर्षगांठ पर प्रतिवर्ष उत्सव का आयोजन होता है। गुरुद्वारा हाट साहिब सुल्तानपुर लोधी कपूरथला गुरु नानक ने बहनोई जयराम के माध्यम से सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ शाही भंडार के देखरेख की नौकरी प्रारंभ की। वे यहाँ पर मोदी बना दिए गए। नवाब युवा नानक से काफी प्रभावित थे। यहीं से नानक को 13 शब्द के माध्यम से अपनी मंजिल का आभास हुआ था। गुरुद्वारा गुरु का बाग सुल्तानपुर लोधी कपूरथला, ये गुरु नानक देव जी का घर था, जहां उनके दो बेटों बाबा श्रीचंद और बाबा लक्ष्मीदास का जन्म हुआ था। गुरुद्वारा कोठी साहिब सुल्तानपुर लोधी कपूरथला, नवाब दौलत खान लोधी ने हिसाब किताब में गड़बड़ी की आशंका में नानक देव जी को जेल भिजवा दिया, लेकिन जब नवाब को अपनी गलती का पता चला तो उन्होंने नानक देव जी को छोड़कर माफी ही नहीं मांगी बल्कि प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन गुरु नानक ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। गुरुद्वारा बेर साहिब सुल्तानपुर लोधी कपूरथला, जब एक बार गुरु नानक अपने सखा मर्दाना के साथ वैन नदी के किनारे बैठे थे तो अचानक उन्होंने नदी में डुबकी लगा दी और 3 दिनों तक लापता हो गए, जहां पर कि उन्होंने ईश्वर से साक्षात्कार किया। सभी लोग उन्हें डूबा हुआ समझ रहे थे, लेकिन वे वापस लौटे तो उन्होंने कहा एक ओंकार सतनाम। गुरु नानक ने वहाँ एक बेर का बीज बोया जो आज बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है। गुरुद्वारा अचल साहिब गुरदासपुर, अपनी यात्राओं के दौरान नानक देव यहाँ रुके और नाथ पंथी योगियों के प्रमुख योगी भांगरनाथ के साथ उनका धार्मिक वाद विवाद यहाँ पर हुआ। योगी सभी प्रकार से परास्त होने पर जादुई प्रदर्शन करने लगे। नानक देव जी ने उन्हें ईश्वर तक प्रेम के माध्यम से ही पहुँचा जा सकता है ऐसा बताया। गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक गुरदासपुर, जीवन भर धार्मिक यात्राओं के माध्यम से बहुत से लोगों को सिख धर्म का अनुयायी बनाने के बाद नानक देव जी रावी नदी के तट पर स्थित अपने फार्म पर अपना डेरा जमाया और 70 वर्ष की साधना के पश्चात सन 1539 ईस्वी में परम ज्योति में विलीन हो गए। 2019 ईस्वी संवत सिखों के आदि गुरु गुरु नानक जी के जन्म का 550वां प्रकाश वर्ष था। 9 नवंबर 2019 शनिवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक चेकपोस्ट से गुरु नानक जी के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नारोवाल जनपद में स्थित समाधि स्थल पर निर्मित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब या गुरुद्वारा दरबार साहिब को जोड़ने वाले 4.5 किलोमीटर लंबे गलियारे का लगभग 500 तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो इस प्रकार हमारी आज की पॉडकास्ट में गुरु नानक देव जी के जीवन दर्शन, उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पे हमने प्रकाश डाला। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगी। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह से हम आगे भी ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।